हेलो दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे पीसी एजुकेशन। और हम इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है शिक्षा का, वो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ हम बेसिक्स बता रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे अप्रोच करना चाहिए, स्कीम क्या होनी चाहिए इस पढ़ाई की। तो वो हम वहाँ डिस्कस किए हैं, तो आप एक बार वो देखते हुए यहाँ आइए, ताकि आपको एक बेसिक मिला रहे कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स डल रहे हैं डेली। 4 दिन हो गए हैं, आज पांचवा लेक्चर डला है। और अभी हाल ही में एक स्टेट में एक एग्ज़ाम हुई है, जिसमें उस लेक्चर से करंट अफेयर सेक्शन का एक क्वेश्चन एज इट इज़ आया है। तो इट मे बी हेल्पफुल अगर आप जाके वहाँ पढ़ते हैं, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे उसको और लाइक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। ये हमारा फेसबुक पेज है, पीसीई एजुकेशन 19। आप फेसबुक में जाके इसको लाइक कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2017-18। इसको आप प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा। मैं बार बार ये चीज़ पिछले लेक्चर में भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, एक रेफरेंस में एक आर्थिक सर्वेक्षण की कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। ये विषय सूची है, कंटेंट है हमारे लेक्चर का, जिसमें से हम यूनिट 14 शिक्षा, ये हम करवा चुके हैं पिछले 2 क्लासेस में। इसकी डिटेल कर एजुकेशन स्टडी करवा चुके हैं, आप इसमें जाके देखिएगा। और आज हम एक ऐसे यूनिट के स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे का वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टॉपिक है। बहुत बोरिंग लगेगा कि आपको ये लगेगा कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा है कि मनरेगा पढ़ा रहा है। बट जैसे हम वादा किए थे, हम 16 यूनिट की हर चीज़ की डिटेल स्टडी करवाएंगे। इसलिए हम आज यूनिट नंबर 12 जो है ग्रामीण विकास और रोजगार शुरू करने वाले हैं। इसके 2 लेक्चर्स होंगे और 2 लेक्चर में ही एक समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा सा यूनिट है, आप देख सकते हैं 10 पेजों का है। तो स्टार्ट करते हैं। यह है 12वां अध्याय, ग्रामीण विकास एवं रोजगार, इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों के लिए और बहनों के लिए। इसको यूनिट 12 बोलेंगे, रूरल डेवलपमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सॉरी रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसकी मुख्य बिंदु है। हर इकोनॉमिक सर्वे में मुख्य बिंदु से ही स्टार्ट होता है, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु दिया रहता है। और ये यूनिट में भी 12 मुख्य बिंदु दिया हुआ है, पर आप जैसे ही पढ़ने जाएंगे तो वो 12 के 12 हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल 3 से 4 पॉइंट ही है उसमें, जिसको हमने कवर किया है। और बाकी के 12 जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी पूरे डाटाज हैं और हेल्पफुल भी नहीं है वो डाटाज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 2016 एंड 17 का डाटा है, जो कि मनरेगा दिया हुआ है। पहला पॉइंट, जैसे मैं बोला था कि ये यूनिट में सिर्फ मनरेगा ही दिखेगा आपको, तो मुख्य बिंदु का भी पहला पॉइंट मनरेगा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हम हिंदी में भी बताएंगे जब डिटेल स्टार्ट होगा अभी हाइलाइट्स में। और इसको डिटेल इसकी स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी डिटेल जानकारी दी गई हुई है। और ये व्यापम के जो पेपर्स आते हैं ग्रामीण से रिलेटेड कोई भी, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए हम उसको कवर करेंगे। और इसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं हैं उसको कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है मनरेगा, जिसके 2 डाटा दिए हुए हैं, एक 16-17 का, एक 17-18 का। हमें 2 साल का डाटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कभी कभी CGPSC जो है वो पिछले साल का डाटा पूछता है। जैसे 2016-17 का अगर वो डाटा पूछता है, तो हमको 16-17 का ही उत्तर देना है, ना कि 17-18 का। तो हमको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि कौन सा 16-17 का डाटा है और कौन सा 17-18 का डाटा है। तो 16-17 का जो डाटा है वो ये है, 21.32 लाख फैमिली
टू गेट एम्प्लॉयमेंट। 21.32 लाख फैमिली को एम्प्लॉयमेंट मिला है, रोजगार मिला है। 21.32 लाख फैमिली को मनरेगा के तहत, और इसमें ये फैमिली की बात हुई। और इसके अलावा 100 दिन का जो रोजगार होता है, इसमें दो चीज़ आता है मनरेगा में, एक रोजगार और एक दूसरा 100 दिन का रोजगार। तो जो रोजगार है वो 21.32 लाख फैमिली को मिलता है, और 100 दिन का जो रोजगार रहता है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, वो 172904 फैमिली को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये दोनों डाटास को। और इसमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन, महिलाओं का योगदान इस योजना में 49% रहा है 16-17 में, मतलब पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा आया था उसमें 49% वुमेन्स की भागीदारी थी इसमें मनरेगा में। और इसके बाद फिर 17-18 का डाटा है। 17-18 का डाटा ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये करंट का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। तो इसमें 16.8 लाख फैमिली गॉट एम्प्लॉयमेंट, 16.8 लाख फैमिली को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला। ये डाटा याद करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 16 हो गया, इसका आधा कर दिए 8, तो 16.80 लाख फैमिली को एम्प्लॉयमेंट मिला है 2017-18 में। और 55,600, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं 5560, 2 बार 0, 5560, 2 बार 0, इतने फैमिली को 100 दिन का रोजगार मिला है। जैसे मैं बोला था, दो चीज़ों में बाइफरकेट करके डाटा दिया है इकोनॉमिक सर्वे में, एक जो जितनी फैमिली को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और दूसरा 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो 2016-17 में 21.32 लाख फैमिली को एम्प्लॉयमेंट मिला है, और 172,904 फैमिली को 10 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिला है। और 2017-18 में 16.8 लाख परिवारों को रोजगार मिला है, और 55,600 फैमिली को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिला है, रोजगार मिला है। और जैसे हम 2016-17 में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो 49% हम बताए, और ये जो परसेंट है वो बढ़ते जा रहा है, वुमेन्स की सहभागीदारी जो है, औरतों की जो सहभागीदारी है महिलाओं की, वो बढ़ते जा रही है इस योजना में। तो 16-17 में 49% थी, पर ये चीज़ 17-18 में नए डाटा में 51% हो गई है, 2% की वृद्धि इसमें देखी गई है। तो 51% महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं मनरेगा में, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद जितने भी मुख्य बिंदु दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं, फिर भी हमने उसमें से दो जो पॉइंट है वो चूज करके निकाल लिए हैं, जिसको भी बस ध्यान रखना है। ये पूछे तो नहीं जाने चाहिए एग्जामिनेशन में, पर फिर भी हमको ध्यान देना है। एक है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, जिसको इंग्लिश वाले बोलेंगे चीफ मिनिस्टर ग्राम गौरव पथ योजना। इसमें गौरव पथ का निर्माण करती है गवर्नमेंट जो है, ये हमारा राज्य शासन द्वारा ये योजना लाई गई है। तो इसके तहत 6193 गौरव पथ बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, 6193, तो हमको ये याद रखना है। फिर उसके बाद आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बहुत बड़ी योजना और बहुत अच्छी योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो 2017-18 में छत्तीसगढ़ में इसके तहत 48 रोड्स और 12 ब्रिजेस का निर्माण हुआ है। 12 ब्रिजेस को हम वृहत पुल बोलेंगे, लार्ज जो ब्रिजेस रहते हैं वो 12 बनाए गए हैं, और 48 रोड बनाए गए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2017-18 में। और जो रोड्स बने हैं उसका किलोमीटर जो है वो 219.80 किलोमीटर की रोड बनाई गई है, 48 रोड। तो ये हमको सिर्फ ध्यान रखना है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मनरेगा है, 2016-17 और 17-18 का इसमें एनालिसिस है, जिसमें 21.32 लाख फैमिली को एम्प्लॉयमेंट पहले मिला था, अब 16.8 लाख फैमिली को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और वुमेन्स की जो भागीदारी है वो 49% से 51% हो गई है 2017-18 की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास।
तो इसमें इसके अंदर एक तो पैराग्राफ दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है वो पंचायती राज के स्टैटिक चीज़ों को समझाया है, पर ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में है तो हम इस लेक्चर में भी इसको लेके चलेंगे, ताकि इकोनॉमिक सर्वे से कोई चीज़ छूटे ना, आर्थिक सर्वेक्षण से कोई चीज़ छूटे ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ है वर्ष 2000 से, जब हमारा राज्य बना है तो 2000 से 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ है। इसको हिंदी में बोलेंगे हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये शुरू हुई है वर्ष 2000 से, ये हमको याद रखना है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लागू की गई है इंडिया में। 73वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई है। इसके अंदर 29 कार्य आते हैं ना, 29 वर्क आते हैं। यह 11th शेड्यूल में दिया गया हुआ है। पंचायती राज के अंदर 29 वर्क आते हैं, 29 कार्य आते हैं, जो कि 11वीं अनुसूची में दिया गया है संविधान में हमारे। अब इसमें छत्तीसगढ़ के कुछ डाटाज में आते हैं। छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, जनसंख्या दी गई हुई है, जो कि 2.55 मिलियन है। तो इसको हम 2554519 भी बोलते हैं, ये अधिकतर हमारे फ्रेंड्स को याद होगा। तो ये एक चीज़ दिया गया हुआ है। इसमें आगे दिया हुआ है 76%, 76% जो प्रतिशत जो हमारी जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये 2011 जनगणना की डाटा दी गई हुई है। एक तो पॉपुलेशन का दिया हुआ है और दूसरा ग्रामीण जो हमारे रहते हैं, ग्रामीणों में जो रहते हैं उनका 76% दिया गया हुआ है। फिर हमको ये देखना है कि कितनी पंचायत हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो वो है 27 जिले हैं, तो 27 जिला पंचायत, 146, 146 जनपद पंचायत जो कि जनपदों में रहती है ब्लॉक लेवल पे, और 10971 ग्राम पंचायत जो कि 10971 ग्राम में एट प्रेजेंट चल रही है। तो ये डाटा हो गया। इसके बाद फिर शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र, ये भी हमारे संविधान का प्रावधान है कि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जाति बहुत ज़्यादा है तो उसको प्रेसिडेंट हमारे शेड्यूल्ड एरिया घोषित करते हैं। तो उसके अंदर जो है 13 डिस्ट्रिक्ट जो है, 13 जिले वो पूर्ण रूपेण और 6 जिले आंशिक रूपेण। 13 जिले पूर्ण रूपेण, 6 डिस्ट्रिक्ट आंशिक रूपेण, 13 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली, 6 डिस्ट्रिक्ट पार्शियली, ये हमारे शेड्यूल्ड एरिया में आती है। और 85 जनपद पंचायत, ये किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बहुत हिट क्वेश्चन है कि कितने शेड्यूल्ड एरिया है जो जनपद पंचायत के अंदर आते हैं, कितने ब्लॉक है जो शेड्यूल्ड एरिया है, ये भी पूछ सकता है। एक तरीका ये भी है जिसमें 85 जो जनपद पंचायत है वो शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं। इसके अलावा 50-50 ग्राम पंचायत, 50-50 ग्राम पंचायत है जो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आते हैं। तो आप इस डाटा को याद करके रखिएगा, क्योंकि 85 ये चीज़ तो पूछा जा चुका है, बट अभी तक ये चीज़ कुछ चीज़ को पूछा नहीं गया है। तो आप इसको याद रखिएगा कि 50-50 ग्राम पंचायत है जो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आते हैं। अब हम ट्रेंड पे जाते हैं। एक तो बहुत बड़ा टेबल दिया गया है उसमें, और उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं उस टेबल में, पर वो टेबल भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसमें सिर्फ 2 पॉइंट है जो हमारे काम का है। आप इकोनॉमिक सर्वे रखते हैं तो वो टेबल में जाके देख सकते हैं ये सुनने के बाद, तो वो चीज़ आपको और अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाएगी। तो उसमें दिया गया हुआ है कि बिटवीन 1951 टू 2011, 1951 से 2011 तक, ऐसा 2 बार ही हुआ है जब टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कुल संख्या वृद्धि दर 1951 से 2011 तक, हर 10 साल में एक बार ये जनगणना होती है। तो इसमें सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब जनसंख्या वृद्धि दर, कुल जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव ट्रेंड दिखाया है। हम निगेटिव ट्रेंड बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे पिछले साल जैसे 100 लोग थे, इस बार 80 लोग हो गए, तो ये एक निगेटिव ट्रेंड को दर्शाता है कि पहले पिछले से कम हो जाता है जो आने वाली जो आगे की जनसंख्या। तो ऐसा 2 बार हुआ है। कुल टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कुल जनसंख्या वृद्धि दर, कुल की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें ग्रामीण और हमारा रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों आता है, शहरी और ग्रामीण दोनों आता है।
ऐसा दो बार हुआ है, 1981 में एक बार हुआ है और एक बार 2001 में हुआ है, ऐसा दो बार हुआ है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेबल दिया हुआ है इसमें, तो मे भी ये पूछा जा सकता है कि कब निगेटिव ट्रेंड हमारी कुल जनसंख्या वृद्धि दर में देखी गई है। और हम अगर हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हम ग्रामीण क्षेत्र के ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की भी जो कुल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया, कुल जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्र में, ये भी दो बार निगेटिव ट्रेंड शो की है, जो कि टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से सिमिलर है। तो 1981 और 2001, 1981 और 2001, ये दो ऐसे साल हैं जो कि निगेटिव ट्रेंड हमारा रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो शो की है, और दो बार टोटल जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी ये ट्रेंड को शो की है। दोनों का सेम ट्रेंड है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस यूनिट का, मनरेगा, जो कि मैं स्टार्टिंग में भी बोला था। अब यहाँ से जो मनरेगा चालू होगा, आज के लेक्चर में पूरा मनरेगा ही चलेगा। अब यह महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये योजना है, ये कट गया है इधर से, बट ये योजना है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हुई है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है, तो ये हमको याद रखना है। ये पहले फेज में 11 जिलों को कवर किया था, तो 11 डिस्ट्रिक्ट आर कवर्ड इन दिस योजना इन फर्स्ट फेज। और इसका जो दूसरा फेज है वो 1 अप्रैल 2008 में शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये दो डेट याद रखनी, पहली फेज 2 फरवरी 2006 और सेकेंड फेज जो है हमारा 1 अप्रैल 2008। तो ये हमको ध्यान रखना है दोनों डेट को। और फर्स्ट फेज में 11 डिस्ट्रिक्ट कवर हुए थे और सेकेंड फेज में हमारे सब डिस्ट्रिक्ट को, सब जिलों को कवर कर लिया गया मनरेगा के अंदर। तो अब इसके अंदर जानते हैं कि मनरेगा में है क्या, होता क्या है। तो उसमें हम बता दें कि मनरेगा के तहत 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, या हम हिंदी में बोलेंगे कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट एक वित्तीय वर्ष में, तो ये याद रखिएगा। ये कूट में एक क्वेश्चन आ सकता है, ये स्टैटिक टॉपिक का ही टॉपिक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक नहीं है, दिया हुआ है करके हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो इसके तहत 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में जनरेट करना ही इसका लक्ष्य है। अब कैसे लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं, तो एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली रेडी टू डू फिजिकल लेबर, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य जो कि तैयार है शारीरिक श्रम करने के लिए, इसमें स्किल्ड वर्क नहीं होता है, शारीरिक श्रम होता है, मजदूरी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली रेडी टू डू फिजिकल लेबर, तो ये चीज़ याद रखना है। अब इसमें आवेदन करते हैं जो पात्र जो सदस्य हैं वो आवेदन करते हैं, तो आवेदन करने के 15 दिन के भीतर उनको रोजगार हम देना पड़ता है गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है 15 डेज के, विदिन 15 डेज। और ऐसा अगर नहीं होता है तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं। 15 दिन में अगर मैं जैसे आवेदन किया फॉर मनरेगा, और 15 दिन में अगर मेरे को रोजगार नहीं दे पाया सरकार, तो वो मुझको बेरोजगारी भत्ता देगा। तो बेरोजगारी भत्ता कैसे देते हैं उसको भी आगे पढ़ते हैं। शुरू के 30 दिन न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है जैसे 100 रुपये जैसे मजदूरी बनती है एक महीने की, तो अगर जैसे मेरे को गवर्नमेंट नहीं दे पाई, मेरे को रोजगार नहीं दे पाई, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो मिनिमम लेबर वेजेस जो कि 100 रुपये जैसे है उसका 1/4, 1/4 ऑफ 100 इज 25, 1/4 100 का 25 होता है, तो मुझको 25 रुपये एक महीने के लिए मिलेगा शुरू के पहले महीने के लिए।
ये शुरू के पहले में निकले, तो इससे दिमाग में ये सवाल खड़ा होता है कि बाद के महीनों में फिर कैसे पेमेंट होगी। तो अगर शुरू का एक महीना कट जाता है फिर भी मेरे को रोजगार नहीं मिला, आज 32वां दिन है जैसे मेरा, मेरे को रोजगार नहीं दे पाई गवर्नमेंट, तो जो मिनिमम लेबर वेजेस होता है, जो न्यूनतम मजदूरी दर, उसका 1/2, जैसे 100 रुपये मैंने बताया था, तो 50 रुपये 30 दिन के बाद के जो महीने रहेंगे उसमें गवर्नमेंट मुझको देगी। तो ये चीज़ हो गया आवेदन आवेदन करने वाले के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसमें क्या ऐड किया है। तो 2013-14 से ये डेट बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2000 से 2012-13 तक सरकार जो है वो केंद्रीय सरकार की जो योजना थी एज इट इज चल रही थी, सेम चल रही थी, पर 2013-14 से जो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट है उससे बढ़ाकर 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जैसे 100 दिन का पहले रोजगार मिलता था मनरेगा से, अब 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा प्रति वर्ष। तो ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। और जो ये 50 एक्स्ट्रा डेज है, 50 अतिरिक्त दिन है, जो ये 100 से 50, इसका जो भत्ता बनता है, जो भत्ता बनता है, जो इसके वेजेस बनते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य का जो शासन है, जो राज्य की सरकार है, वो 50 दिन जो एक्स्ट्रा होते हैं उसका भत्ता राज्य की सरकार देगी। आगे बढ़ते हैं, वन अधिकार पट्टा धारक परिवार को 150 दिन रोजगार केंद्र शासन द्वारा दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मैं बताया 100 डेज के लिए होता है, पर अगर वन अधिकार पट्टा धारक परिवार है तो वो केंद्र से ही 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा, अगर वन अधिकार पट्टा धारक परिवार है तो। इसमें इंग्लिश वाले हम बोलेंगे फैमिली हैविंग फॉरेस्ट राइट, जो कि वन में रहते हैं, वनवासी लोग जो रहते हैं उनके लिए 150 दिन का रोजगार केंद्र शासन द्वारा ही दिया जाएगा, ये राज्य शासन द्वारा नहीं दिया जाएगा, पूरा केंद्र शासन ही 150 दिन का देखभाल करेगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं, PMAY और IAY, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, और IAY है इंदिरा आवास योजना। इसके जो बेनिफिशियरीज हैं, जो इसके लाभान्वित जो इसके इसके अंदर जो आते हैं, उनको मनरेगा के तहत एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, अतिरिक्त लाभ जो इसके जो लाभार्थी है उनको दिया जाएगा। वो क्या है, 90 डेज जो है अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट, जैसे 100 दिन का रोजगार है, अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना से जुड़ा हुआ है तो जनरल एरिया में 90 दिन अतिरिक्त दिया जाएगा रोजगार उनको, और अगर पहाड़ी क्षेत्र में अगर निवासरत है, अगर हिली एरिया में रह रहे हैं, तो 95 डेज का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। तो ये एक चीज़ है। फिर मजदूरी दर देख लेते हैं, लेबर रेट जो मनरेगा के तहत दिया जाता है वो है 1 सेंट 72 रुपीस, ये हमको याद रखना है, ये कूट के सवाल में आ सकता है कि कितना, 150 दे दिया रहेगा और वो चीज़ नहीं रहेगा, तो 172 हमको याद रखना है। फिर उसके बाद एक रेशियो दिया हुआ है, वो है मजदूरी इस टू सामग्री, लेबर इस टू मटेरियल, 60:40 का एक्सपेंडिचर जो अमाउंट है, राशि व्यय जो है मजदूरी और सामग्री में सरकार का 60:40 दिया जाएगा, 60:40। फिर उसके बाद आगे बढ़ते आते हैं, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में, जो कि इंग्लिश में है ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसी भी योजना को पारदर्शिता बढ़ाने की तरफ ये महत्वपूर्ण कदम है ये सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो मनरेगा की जो कंप्लेंट है, जैसे कोई भी ठेकेदार है या जो भी मनरेगा का जो चीज़ ले के रखा है, जो पेमेंट दे रहा है, तो अगर उसके लिए हमको अगर कोई कंप्लेंट होगी तो उसके लिए CG, छत्तीसगढ़ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कंप्लेंट प्रिवेंशन एक्ट 2012 छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, ये हमको याद रखना है, जो कंप्लेंट करने के लिए जो शिकायतें रहती हैं उसके लिए 2012 में एक नियम बनाया गया है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012, ये हमको याद रखना है, 2012 में ये नियम बनाया गया है। फिर इसके बाद पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक ई मस्टर रोल चालू किया गया है। मस्टर रोल एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई वर्कर काम कर रहे हैं, 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनका अटेंडेंस हो गया, उन कितना आ रहे हैं, कितना काम किए हैं,
कितने वर्किंग डेज हैं उनके, कितना सैलरी उनकी जनरेट हो रही है, किस दिन उनकी सैलरी बन रही है, ये सब एक मास्टर रोल में कवर होता है। तो इस मास्टर रोल को ई मास्टर रोल किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि आप इंटरनेट में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, और कोई शिकायत हो अगर उससे तो आप जाके ये जो नियम बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है 2012 में, वहाँ से आप कंप्लेंट कर सकते हो। फिर एक चीज़ और जो है, जो कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए किया गया है, होता ये था पहले कि मजदूरी दर जो है वो कैश में दी जाती थी, तो बहुत उसमें डिस्क्रिपेंसीज आती थी, बहुत ऊपर नीचे होता था कि कोई वर्कर काम नहीं भी कर रहा है फिर भी उसकी सैलरी बन रही है। तो वो हटाने के लिए DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो वो हमको याद रखना है एक चीज़। तो एक सेकेंड रुकते हैं, ये हमने देख चुका है, ये हमने देख चुका है, ये हमने देख चुका है, ये यहाँ इस फेज में हम हैं अभी। तो एक सेकेंड रुक जाते हैं, मैं हाइलाइटर ले आता हूँ सो देट पढ़ाना आसान पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसके तहत होता क्या है, जो कि सैलरी, जो भी सैलरी जो बनती है वो सीधा जो बैंक है, बैंक अकाउंट, वहाँ सीधा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ है, और 27 जिलों में 17 लोकपाल बनाए गए हैं, 27 जिलों में 17 लोकपाल बनाए गए हैं इसके लिए, ताकि ये इसकी सुनवाई हो सके। फिर इसके आगे करंट डाटा दिए गए हुए हैं, जो कि एक टेबल दिया हुआ है, उसमें 8 पॉइंट है, 8 के 8 हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिसको हमने छाट के टेबल में बना लिया है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए पॉज रखते हैं ताकि आप देख ले एक बार क्या है ये डाटा। इसमें है, 3 डाटा दिए गए हुए हैं, एक 16-17 में, अप्रैल से मार्च तक, अप्रैल से सितंबर तक, 2016-17 में 2 चीज़ दिया गया, और 17-18 में अप्रैल से सितंबर तक। तो हमको ये वाला जो टेबल है और ये वाला टेबल है जो, ये इम्पोर्टेंट है, 2 टेबल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये टेबल को सिर्फ देख ध्यान में रखना है, ताकि अप्रैल से मार्च अगर 2016-17 पूछ दिया गया तो हमको ध्यान में रखना है चीज़। तो पहला पॉइंट है रजिस्टर्ड फैमिली, पंजीकृत परिवारों की संख्या, कितने पंजीकृत परिवार है जो मनरेगा में पंजीकरण करवाए हैं, इसको हम देख लेते हैं। 36.25 पहले थे, फिर बढ़ के हो गए 36.75, 36.25, 36.75, 36.38, 36.38, ये मुख्य बिंदु में भी हम इस डाटा को देखे हैं, 36.38 लाख पंजीकृत परिवार, ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, जो लास्ट टेबल में है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डाटा, तो ये हमको याद रखना है। फिर उसके बाद है फैमिली गॉट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार, ये भी लाख में दिया हुआ है, 18.20 था पिछले साल, अभी हो गया 16.80, ये भी मुख्य बिंदु में आया था, 16.8, 16 को आधा कर दीजिए तो 16.8, तो पंजीकृत परिवार हो गए 36.38, और जितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है वो 16.80, 16.80, 16.80। फिर वुमेन्स पार्टिसिपेशन देख लेते हैं, महिलाओं की भागीदारी देख सकते हैं इस टेबल में, जो कि 49 थी अप्रैल मार्च 2016-17 में, जो कि अप्रैल से सितंबर तक बढ़ गई 50% में, और अभी एट प्रेजेंट 17-18 सितंबर तक 51% महिलाएं हैं, जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं तो 51 मिनिमम महिलाएं काम कर रही हैं, तो माफी चाहता हूँ, 51 महिलाएं काम कर रही हैं, मिनिमम नहीं, 51 महिलाएं काम कर रही हैं। फिर लास्ट टेबल आता है कि फैमिली गॉट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, परिवारों की संख्या जिसको 100 दिवस का रोजगार दिया गया, ये हमको याद रखना है, 172904 ये एक डाटा याद रखना है, 64583 एक डाटा याद रखना है, और ये डाटा को तो बहुत ज़्यादा याद रखना है जो है 55600, 55600 डाटा को हमको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं,
फिर मातृत्व अवकाश भत्ता, मैटरनिटी लीव वेजेस, तो ये भी मनरेगा के तहत जो भी वुमेन जो है, जो भी महिला 50 दिन का काम अगर कर चुकी है 20 महीने में, 50 दिन का अगर काम कर चुकी है तो गवर्नमेंट उनको मैटरनिटी लीव वेजेस देता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिसको हम मातृत्व अवकाश भत्ता बोलते हैं, राज्य की सरकार देती है वो महिलाओं को जो कि 50 दिन में, 50 दिन काम की है 12 महीने में। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो क्या क्या सुविधाएं देती है मातृत्व अवकाश भत्ता के अंदर? कार्यस्थल पर सुविधाएं देती हैं, फैसिलिटी इन वर्क प्लेस, ये हम देख लेते हैं। अगर 5 बच्चे हैं एक साइट में, अगर 5 बच्चे हैं, अगर उनकी उम्र 6 महीने से कम है, इफ 5 चिल्ड्रन आर देयर इन द साइट, वर्किंग साइट, एंड इफ दे हैव एज ऑफ लेस देन 6 मंथ, देन क्रेच फैसिलिटी इज गिवन बाई द गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में ये बोलेंगे। अगर 5 बच्चे अगर वर्क साइट में अगर काम करते हैं और अगर उनकी उम्र 6 महीने से कम है, तो झूला घर का प्रावधान है गवर्नमेंट द्वारा, झूला घर बनाया जाता है बच्चों के लिए, तो ये है। और दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल, शेड बनाया जाता है वर्क प्लेस में, ताकि गर्मी यहाँ छत्तीसगढ़ में अमूमन ज़्यादा पड़ती है, तो उसके लिए महिलाओं के लिए शेड बनाया गया है, सो दैट वहाँ वो आराम कर पाए जाके। तो ये सब चीज़ें आती है हमारी मनरेगा स्कीम के अंदर। हम इसकी छत्तीसगढ़ के भी एस्पेक्ट डिस्कस किए, डाटाज डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डाटाज हमको डाटाज ध्यान में रखने, ये टेबल डिस्कस किए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम या इस एरिया की बात करें, 36.38 पंजीकृत परिवारों की संख्या, जिनको रोजगार मिला जिस परिवार को 16.80, महिलाओं का प्रतिशत 51%, और परिवारों की संख्या जिनको 100 दिन का रोजगार मिला 55,600। तो ये हो गया हमारा मनरेगा खत्म। आज का लेक्चर हमारा पार्ट 1 जो है ग्रामीण विकास एवं रोजगार का, ये यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज रेट रिव्यू एंड रिकमेंड अवर चैनल, सब्सक्राइब एज वेल, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, हम बहुत नए हैं इस फील्ड में, हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारा फेसबुक चैनल है, इसको आप लाइक कीजिएगा जाके। थैंक यू।